हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में जो वर्कर्स काम करते हैं, हेल्थ वर्कर्स, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉयज, डॉक्टर्स, एडमिन स्टाफ, इनको कैसे अपनी सेफ्टी रखना ज़रूरी है और अपनी सेफ्टी रखें कैसे। जैसा कि आज का माहौल हो रहा है, कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, हर साल जब सीज़न चेंज होता है तब भी कुछ ना कुछ वायरल एक्टिविटीज़ होती हैं, वायरल फीवर्स होते हैं, इनसे हमको कैसे बचना चाहिए। तो सबसे पहला प्रिकॉशन यही है कि जब आप हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते हो तो प्रॉपर मास्क का यूज़ करें। जब भी आप अपने हाथ कहीं टच कर लेते हैं, किसी पेशेंट को टच करते हैं, किसी अनजान जगह को टच करते हैं, तो अपने हाथ को आप एल्कोहल बेस्ड रब से क्लीन कर सकते हैं, हैंड वॉश का यूज़ कर सकते हैं। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जो कई लोग ध्यान नहीं देते और भूल जाते हैं, जैसे कि पेशेंट जब आता है, सबसे पहले एंटर करता है हमारे इमरजेंसी वार्ड्स में, ओपीडी सेक्शन में, हमारी चेयर्स के ऊपर बैठता है, मेटल चेयर्स होती हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस मेटल के ऊपर 12 घंटे तक रहता है। सीढ़ियों का हम जब इस्तेमाल करते हैं, साइड में रेलिंग्स होती हैं, रेलिंग पर भी मेटल्स की रेलिंग होती हैं, कुछ सीमेंटेड रेलिंग्स होती हैं, वहाँ पर भी हर इंसान अनजान ना चाहते हुए उसको हाथ टच करता ही करता है। तो ऐसी जगहों को ज़्यादातर हम क्लीन रखें, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करें, प्रॉपर क्लीनिंग का ध्यान दें। हमारे हॉस्पिटल के व्हील चेयर्स, स्ट्रेचर्स, ये 12-12 घंटे में कम से कम एक बार इनकी क्लीनिंग होना चाहिए। हम अपने हॉस्पिटल के जो वार्ड्स होते हैं, उनके डोर्स होते हैं, डोर्स हैंडल का ध्यान रखें, डोर्स हैंडल को हम प्रॉपर क्लीन करें रेगुलर बेस पर। ख़ासकर हमारे वार्ड बॉयज, ये अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए इनको, काम करते वक्त गमबूट्स पहने, ग्लव्स पहने, और जैसे अपना काम फिनिश करते हैं, रेगुलर खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में, ख़ुद को टच करने से पहले अपने हैंड को स्टरलाइज करना, क्लीन करना, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब से हाथ धोना, ये चीज़ें ये आम अपनी आम ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको अपनाएं और स्वच्छता मेंटेन रखें। आप लोग जब जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग अपना काम ख़त्म करके घर जाते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं कि जहाँ हर तरीके का पेशेंट आता है और हम लोग इन्फेक्टेड ही होते हैं, तो जो हमारे कपड़े हैं, हम जब घर के अंदर घुसें तो घर के बाहर ही एक बाल्टी पानी रखें, सोप रखें, अपने हाथ मुंह पैर घर के बाहर ही धो के, और फिर हम घर के अंदर एंटर करें। जब एंटर करें तो किसी उसको टच नहीं करें, सीधा हम अपने वॉशरूम्स में या बाथरूम्स में जाएं, वहां पर अपने पूरे कपड़े हम निकालें, एक बाल्टी पानी में सर्फ, डिटर्जेंट और जो भी आप चाहें उसमें लिक्विड है, सेवलॉन है, जो भी यूज़ कर सकते हैं आप, वो पानी में डाल के रखें और अपने कपड़े उसमें गलाएं, और गलाने के बाद में बढ़िया धो के निचोड़ के उसको सूखने के लिए रख दें। और जब भी आप कपड़े यूज़ करते हैं, आपके कपड़ों पे आयरन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बहुत कॉमन टिप्स थे जो हम चाहें तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर उसको अपनाएंगे तो चीज़ों को कई हद तक फैलने से रोक सकते हैं, इन्फेक्शन को कुछ हद तक फैलने से रोक सकते हैं और ख़ुद को बचा सकते हैं। क्योंकि आज समाज में जो कोरोना की महामारी फैली हुई है, जिनको ये असर होता है, जो पेशेंट बन जाते हैं, उनको आना हमारे पास में हॉस्पिटल्स में आना है, लेकिन अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी, हम ही लोग उस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे और गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाएंगे, हम प्रॉपर हम प्रिकॉशंस मेंटेन नहीं करेंगे, तो फिर हमारा इलाज कौन करेगा। जब समाज में लोगों रोगियों को जो लोग केयर करते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं, अगर वही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम रोगियों की सहायता कैसे कर पाएंगे, उनकी सेवा कैसे कर पाएंगे। तो आप सबसे अनुरोध है मेरा कि कृपया इस चीज़ का पालन करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप सेहतमंद हैं तभी आप दूसरों की केयर कर सकते हैं, अन्यथा
नहीं कर सकते। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें। नेक्स्ट जब हम आपसे मिलेंगे, मेरा अगला वीडियो जो होगा, अभी जो मैंने आपको जो बातें बताई वो मौखिक रूप से बताई, अब हम जो नेक्स्ट हमारा वीडियो अपलोड करेंगे वो लाइव डेमो के साथ अपलोड करेंगे। हम किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ के जितने भी एरियाज हैं वहाँ हम आपको लाइव लेके चलेंगे, वहाँ का वीडियो आपको हम बताएंगे कि कैसे प्रिकॉशन मेंटेन करना चाहिए। ओके, देन फिर मिलते हैं अगले वीडियो में लाइव डेमो के साथ में। ठीक है, प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।